हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू कास्तूर और कास्तूर रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी का, जो रात में बासी रोटी बच जाती है, उसका ट्रिपल लेयर पिज्जा। बहुत ही आसान विधि से और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। सुबह इसे नाश्ते में खा सकते हैं आप और बहुत ही टेस्टी होता है। और मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सामग्री ली है, जैसे थोड़ी सी ब्रोकली, एक आधी गाजर कटी हुई, एक प्याज और एक टमाटर इस तरह कट किया हुआ, ओरिगैनो, चाट मसाला और चिली फ्लेक्स, ये मैंने यहाँ सामग्री ली है। सबसे पहले तवे को ग्रीसिंग कर लेंगे। जब तवा हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसके ऊपर डालेंगे एक रोटी और रोटी को पलट देंगे इस तरह से, और इस पर डालेंगे मेयोनीज। इस तरह से मेयोनीज डाल के इसको स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके ऊपर डालेंगे प्याज के कुछ पीसेस इस तरह से। इसके बाद टमाटर, कुछ गाजर के पीसेस और ऊपर से कुछ ब्रोकली डाल देंगे, और ये मैंने डाल दिया ऊपर से सॉस। ऊपर से चाट मसाला डालूंगी यहाँ पर मैं, और हम दूसरी रोटी इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे दबाकर। अब मैं इसे फिर से ग्रीसिंग करूंगी, और यहाँ पर मैं देसी घी का ही प्रयोग कर रही हूँ। देसी घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे पलट देंगे इस तरह से, देखिए। फिर से सॉस लगाएंगे और इसको भी फैला लेंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून यहां पर मैंने मलाई डाली है, और इसको भी मैंने स्प्रेड कर दिया है। किनारों पर ना करें वरना ये निकल जाएगा। उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पर चाट मसाला। फिर से एक रोटी रखी है, और इसको भी फिर से सेट करेंगे दबाते हुए। आप इसे पलट देंगे और फिर से इसे ग्रीसिंग कर लेंगे। फिर डालेंगे मेयोनीज, इसे फिर से फैलाना है। देखिए, इस तरह से फिर से हम इसे फैला देंगे। यहाँ पर डाला है सॉस इस तरह से, उसके बाद प्याज के पीसेस, गाजर और ऊपर से टमाटर के पीसेस भी इस पर डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने ब्रोकली भी डाल दी है। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हैं आप इसमें यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। अब ये डाला है मैंने ऊपर से चाट मसाला, ओरिगैनो लीव्स और चिली फ्लेक्स, दोनों मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसे हम ढक देंगे इस तरह से 5 से 7 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे कुक कर लेंगे। देखिए, हमारा पिज्जा बनकर तैयार है, ट्रिपल लेयर पिज्जा बची हुई रोटी का। देखिए कितना बढ़िया बना है, और यकीन मानिए खाने में भी उतना ही टेस्टी है। देखिए, सुबह आप इसे नाश्ते में एंजॉय कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसे घर में बना सकते हैं। मैंने बनाया है तो आप भी इसे बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत की भी आवश्यकता नहीं है, और बची हुई रोटियों का आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आपकी वेस्ट भी नहीं जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स में
शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर ट्राई कीजिएगा घर में एक बार। देखिए मैं अब इसे कट करके दिखाती हूँ इस तरह से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तीनों लेयर निकल कर आ रही हैं। यकीन मानिए खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।